नहीं रही है। यह दुखद घड़ी न ही सिर्फ पार्टी के लिए, हेलो मोबाइल नीचे कर ले, हेलो, बल्कि तमाम देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है। वो हम सबको प्रेरणा देती रही और किस तरीके से राष्ट्र के हित में राजनीति में हम अपना योगदान कर सकते हैं, इस बात को उन्होंने हमेशा स्पष्ट रूप से आगे रखने का प्रयास किया। आज उनका जो अंतिम ट्वीट है वह भी हम सबको बताता है कि किस तरीके से भावनात्मक रूप से वह देश की सेवा में जुटी रही। थोड़ा पीछे ले ले यार। आज अभी उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान धवन की बिल्डिंग में लास्ट रिस्पेक्ट्स पे करने के लिए रखा गया है, उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया है। कल सुबह 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर धवन दी बिल्डिंग में रहेगा और वहां उनके अंतिम दर्शन सभी लोग कर सकेंगे। 12 बजे के पास उनके पार्थिव शरीर को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय वहां ले जाया जाएगा और 12 बजे के बाद 3 बजे तक पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और सब के लिए वहां अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके पश्चात 3 बजे उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लोधी रोड के क्रेमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ले जाया जाएगा और वहां उनका अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा। यह दुखद घटना सारे देश में सभी लोगों को शोकाकुल कर रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके बताए हुए रास्ते पर हम सब लोगों को ताकत मिले कि हम चल सकें और देश की सेवा कर सकें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि। अभी आजाद साहब भी बोल रहे थे कि उन्होंने कभी विरोधी माना ही नहीं सुषमा जी ने। जी, वो हमेशा जिसको कहते हैं कि सबको जीतना और सबको राष्ट्र सेवा के लिए लगाना, इसी के लिए उनका जीवन रहा और उन्होंने